जितेंद्र बहादुर सिंह। जितेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया है? अच्छा, बाहर आप थे तो ये लड़का लड़की क्या नारे लगा रहे थे? देखिए सईद, जब दोनों लड़का और लड़की यहाँ पर पहुंचे, ट्रांसपोर्ट भवन जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले वो लड़का और लड़की सुबह पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो है स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया और उस स्मोक क्रैकर के इस्तेमाल करते ही यहाँ पर कलरफुल पीले रंग का और लाल रंग का धुआं उठने लगा। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया गया इसी जगह पर। और वो जलने के बाद उनको, दोनों लोगों को पुलिस ने पूरी तरीके से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनको ले जाया गया। वहां पर पूछताछ इस वक्त उनसे चल रही है। जो महिला है उसका नाम नीलम है, जो कि महाराष्ट्र से है। इसके साथ साथ जो पुरुष उसके साथ मौजूद था उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी पुलिस की तरफ से हासिल की जा रही है। अलग अलग एजेंसियों को इस वक्त तैनात कर दिया गया, क्योंकि आज सईद जिस तरीके से 13 दिसंबर है, संसद हमले की बरसी है और यहां पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब जिस तरीके से जब ये पूरी घटना हुई, उस घटना के बाद आप देखिए कि पुलिस ने यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भारी संख्या में यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से ही जो आगे का रास्ता था, जो पूरी बैरिकेडिंग थी, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी गाड़ियों को, जब मैं पार्लियामेंट की तरफ आ रहा था, रास्ते में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग करने के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा था। लेकिन ये लोग किस तरीके से, जो सुबह ट्रांसपोर्ट भवन में दो लोग पहुंचे, वो किस तरीके से यहां पर पहुंचे, इसके साथ ही आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर जिस तरीके से विजिटर गैलरी से लोग कूदे और वहां पर संसद के अंदर जो नया संसद बना हुआ उसमें कूद रहे थे, वो लोग इधर उधर भाग रहे थे, उसके बाद सांसदों ने उनको पकड़ा, तो इसमें किस तरीके की सुरक्षा में चूक हुई, इस बात की समीक्षा इस वक्त सईद की जा रही है। और कैसे ये लोग अपने जूते में जो क्रैकर स्मोक है उसको लेकर के पहुंचे और उसके बाद इस तरीके की स्थिति पैदा हुई, पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त छानबीन कर रही है। आपको वर्तमान स्थिति बता दूं सईद कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम संसद के चारों तरफ कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें सीआरपीएफ की सुरक्षा को भी बाहर की तरफ तैनात कर दिया गया, हालांकि जो अंदर की सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के हाथों में है। सीआरपीएफ पूरी चाक चौबंद सुरक्षा जो जितने भी गेट हैं उन तमाम जगहों पर करती है। उसके अलावा जो बाहर की सर्कल होता है उसमें उसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जाता है। तो ये सुरक्षा यहां पर काफी कड़ी इस वक्त कर दी गई है और इस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है। जो स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया गया वो ये लोग कहां से खरीद करके लाए थे और किस तरीके से छुपा करके यहां तक ये लोग पहुंचे, इसकी छानबीन इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस जो बाहर, ये ट्रांसपोर्ट भवन का यही वो एरिया है सईद जहां पर दोनों लोगों को सुबह पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। और संसद भवन के अंदर जिन दो लोगों को हिरासत में लिया उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इन लोगों के पास क्या एक ही व्यक्ति से वो जो क्रैकर स्मोक है वो मिला था, उसकी जानकारी पुलिस की तरफ से हासिल की जा रही है। सईद जी, जितेंद्र, जो लोकसभा के अंदर दो व्यक्ति कूदे, लड़के कूदे, और बाहर एक लड़का और एक लड़की, क्या इनमें कोई, दोनों एक ही लोग हैं, मिले हुए लोग हैं, कोई समानता है, एक ही गैंग, एक ही ग्रुप, एक ही साथी लोग हैं, कुछ पता चल पाया है? देखिए, पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन की जा रही है, वैसे में ये कहा जा सकता है कि जब यहां सुबह वो दोनों लोग पहुंचे थे, जो नारेबाजी यहां पर लगाई जा रही थी वैसे ही सेम नारेबाजी संसद भवन के अंदर जो विजिटर्स पास के जरिए वहां पर गए थे उनके जरिए भी लगाया जा रहा था। और बहुत ज्यादा, हालांकि उन लोगों ने वहां पर नारेबाजी नहीं की, लेकिन ये समानता दिखाई पड़ रही है कि जिस तरीके से एक ही लगभग मैं रहा होगा, करीब 10 मिनट पहले यहां पर ट्रांसपोर्ट भवन का जो ये गेट है यहां पर उन्होंने स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया, धुआं उठा और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों, एक महिला और एक पुरुष को, दोनों लोगों को हिरासत में लेती है। और उसके बाद, उसके 10 मिनट बाद संसद भवन के अंदर भी इसी तरीके की घटना होती है। तो ये कुछ एक ही जैसा मामला दिखाई पड़ रहा है। पुलिस इन तमाम चीजों की तफ्तीश इस वक्त कर रही है और पता करने की कोशिश में जुटी हुई है कि विजिटर
पास जब इनका बना था तो उस दौरान क्या जूते में ये लोग स्मोक क्रैकर्स छिपा करके लेकर के गए थे, इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ ट्रांसपोर्ट भवन में जो सुरक्षा है सहित, जब सुबह में आ रहा था तो आगे जो रास्ता है जो पीटीआई बिल्डिंग की तरफ पड़ता है वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, और बैरिकेडिंग के साथ ही जिसकी एंट्री हो रही थी उस एंट्री के दौरान तमाम लोगों की उस वक्त छानबीन की जा रही थी। गाड़ी की डिक्की को खोल करके पूरा चेक किया जा रहा था, कोई भी शख्स अगर आ रहा है तो उसकी तलाशी ली जा रही थी, ये तमाम चीजें की जा रही थी। लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट भवन के इस चौराहे पर वो दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है, वो यहाँ पर कैसे पहुंचे और क्रैकर स्मोक लेकर के यहाँ पर उन्होंने जलाया, जलाने के बाद उन लोगों ने नारेबाजी की। हमने उनसे बातचीत भी किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की नारेबाजी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा को धता बताते हुए वो लोग कैसे वहां से यहां तक पहुंचे, इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो टीम इस पूरे मामले को देख रही है वो छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो लोग यहां तक सुरक्षा को धता बताते हुए कैसे यहां पर पहुंचे और किस तरीके से वो लोग स्मोक क्रैकर को लेकर के यहां उसको जलाया। पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त छानबीन कर रही है। सही, ठीक है। और ये देखिए, ये चोट भी लगी है, ये कलर है, कलर है, मतलब हाथ में भी लगा हुआ है, जो धुआं वहां से निकल रहा था वो भी लग रहा है। ये एक सांसद महोदय हैं और ये देखिए इनके हाथ पे ये कलर लगा हुआ है। ये बेहद बेहद गंभीर मामला है। आज ऐसे दिन जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, संसद के अंदर और बाहर चार लड़के, तीन लड़के एक लड़की, दो बाहर, एक लड़का लड़की और दो लड़के बाहर। मिलन शर्मा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से इस समय हमारे साथ हैं। मिलन, कोई जानकारी मिल पाई है कौन ये लोग थे, क्या चाहते थे? देखिए, स्पष्ट कर दें आपसे कि ये दो जो हादसे हैं, एक संसद के अंदर एक संसद के बाहर हुए हैं। संसद के बाहर हुए हादसे के दो लोग अनमोल और नीलम इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के अंदर हैं, और बाहर मैं आपको दिखा दूं कि सुरक्षा यहां पर भी बहुत कड़ी कर दी गई है। पहले हम आगे की तरफ खड़े थे, इस वक्त पुलिस थाने को बंद कर दिया गया है बाहर से और किसी भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। चारों ओर बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। यही सुरक्षा व्यवस्था अभी संसद के आसपास भी चौक चाबन कर दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो दो लोग बाहर फ्लोरोसेंट गैस जिन्होंने फेंकी थी उनको यहाँ पर पुलिस ने डिटेन किया है। सईद, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि अभी फिलहाल पुलिस सूत्रों से हमें ये पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो दो व्यक्ति अंदर संसद में ये फ्लोरोसेंट कलर की गैस उन्होंने जो रिलीज की है अंदर संसद में, वो किसके पास पर आए थे? क्योंकि संसद के अंदर जाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास लेना पड़ता है, सिक्योरिटी का चेक होता है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। तो पुलिस की सूत्रों से हमें अभी ये पता चला है कि एंटीसीडेंशियल इंसिडेंट्स में अभी फिलहाल ये इंक्वायरी की जा रही है। हमें ये भी बताया गया कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी 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 सांसद का किसी ने भी बताया, जो लोग अंदर थे सांसद लोग जो अंदर थे उसमें किसी ने कहा कि किसी सांसद के पास पर ही ये विजिटर के तौर पर आए थे।